कारण लखनऊ नगर निगम की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए विभाग द्वारा कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिस पर खुद महापौर संयुक्ता भाटिया नजर बनाई हुई हैं। वहीं अब नगर निगम घरेलू कचरे को काम में लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल नगर निगम घरेलू कचरे से CNG बनाने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। इसके लिए अलग अलग कंपनियों से बातचीत भी जारी है। नगर निगम ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। वर्तमान में घर घर से कूड़ा उठाने व प्लांट में इसके निस्तारण की जिम्मेदारी इको ग्रीन कंपनी के पास है। हालांकि इस काम में इको ग्रीन फेल साबित होते हुए नजर आ रही है। शिवरी प्लांट में कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। इसी के तहत नगर निगम ने अब नई कंपनी के चयन की कवायद शुरू कर दी है। नई कंपनी घरेलू कचरे का निस्तारण करेगी, CNG बनाएगी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल दिया गया है। इसमें जो बायो CNG का प्लांट है, इसको लेके एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लखनऊ नगर निगम द्वारा निकाला गया है। ये बेसिकली जो हमारा टर्शरी का जो कूड़े प्रबंधन को लेके एक प्रोजेक्ट है, इसमें UP इन्वेस्ट समिट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाई गई थी, उसमें कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया था कि किस तरह से हम लोग कूड़े के प्रबंधन में यूपी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी को लेके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लखनऊ नगर निगम निकाला है, जिसमें 300 टन जो हमारा गीला कूड़ा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे बायो CNG बनाएगा और उस CNG पे रॉयल्टी जो है वो नगर निगम को मिलेगी। इसके लिए UI निकाला है, जिसकी लास्ट डेट इसी मंथ की 22 है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि राजधानी में कूड़े से CNG बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए कंपनियों से ऑफर मांगे गए हैं। कंपनियों को अपने खर्चे पर पूरा प्लांट व अन्य संसाधन लगाना होगा। नगर निगम इसमें कोई निवेश नहीं करेगा। जानकारी के मुताबिक जिस कंपनी का नगर निगम के साथ करार होगा, उस कंपनी को निगम लगभग 300 टन कचरा रोज देगा। ये कचरा घरेलू होगा, कंपनी को छटाई करके कचरा दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। खराब खाना, सब्जियां, पत्तियां, घास, गोबर आदि से प्लांट में CNG तैयार होगी। 300 टन कचरे से लगभग 20,000 किलो CNG रोज बनेगी। वहीं इस रणनीति पर बात करते हुए नगर आयुक्त ने बताया है कि कूड़ा प्रबंधन पर हम विशेष प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। जल्द ही CNG प्लांट का MOU साइन होगा। कुल मिलाकर हमारा ध्यान इस बात पर है कि कैसे हम घरेलू कचरे का सही ढंग से निस्तारण कर सकें और उसको उपयोग में ला सकें। हमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शासन द्वारा पूरा एक गाइडेंस भी दी जा रही है इसमें, और इसके साथ साथ लखनऊ नगर निगम भी पूरे लखनऊ का जो कूड़ा है उसका जो प्रोसेसिंग है उसमें डाइवर्सिफाई अप्रोच ले रहा है। इसी तरह हमारा एक PNG प्लांट का भी हमारा MOU अब साइन हो जाएगा और आगे MRF सेंटर्स के लिए भी हमने लिख के भेजा है कि 8 जोन है, 8 जोन में MRF सेंटर्स लगे ताकि कूड़ा जो प्रोसेस है वो जोन वाइज हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो और हम लोग कहीं भी इसको डंप ना करें और मैक्सिमम कूड़ा प्रोसेस हो और साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस हो। लखनऊ नगर निगम घरेलू कचरे से CNG बनाने की प्लानिंग पर काम कर रहा है और उसके लिए कई कंपनियों से बातचीत भी जारी है। उत्तर प्रदेश में हुई इन्वेस्टर समिट में कई कंपनियों ने कूड़ा प्रबंधन पर इन्वेस्ट करने की सहमति जाहिर की थी, जिसके बाद से लगातार इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और ज़ोरदार तरीके से इसकी रणनीति भी तैयार की जा रही है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो घर घर कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी इको ग्रीन कंपनी के कंधों पर है, लेकिन जिस तरीके की शिकायतें कंपनी के खिलाफ मिल रही हैं, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी इस मामले में पूरी तरीके से फेल है और शायद यही वजह है कि नगर निगम नई कंपनी की तलाश में है जो कचरे को उपयोग में भी ला सके। अब देखना ये होगा कि इस रणनीति पर कितना काम होता है और कब इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाता है। विरजन अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।